हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कर्सिव में कैपिटल एंड स्मॉल ABCD दैट इज़ अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखेंगे विथ टेक्निक्स। मैं आपको बताती जाऊंगी कि उन्हें कैसे बन सेम लाइंस को फोर लाइन कॉपी में लिखकर देख रहे हैं कि लेटर्स को फोर लाइन में कैसे बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे लिखा है। अब हम कैपिटल लेटर्स को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस लेटर को किस लाइन में बना रही हूँ। मोस्टली जो लेटर्स हैं उन्हें थ्री लाइन्स टच करके बनाया जाता है, बट कुछ लेटर्स हैं जिन्हें हम फोर लाइन्स टच करके भी बनाते हैं, जैसे जी, जे, वाई, जेड। इन्हें हम फोर लाइन्स में बनाते हैं। इनके लिए बहुत ज़रूरी है आप एक अच्छे ग्रिप वाला पेन यूज़ करें, जिससे लिखने में आप लोग कंफर्टेबल फील करें। आप इन्हें बनाने के कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसकी और इजी मेथड बताकर आपको हेल्प करूँगी। प्रैक्टिस करने से आप भी परफेक्टली इन लेटर्स को बना सकते हैं। बट ये जो लेटर्स हैं ये इनिशियली आपको ऐसे ही बनाना सीखना चाहिए। इसके बाद आप कैलीग्राफी या और जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो आप सीख सकते हैं। इसके बाद हम स्मॉल लेटर्स बनाना देखेंगे। देखिए, आप वाई एंड जेड को फोर लाइन स्टच करके बनाया गया है। इन्हें दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है, बट ये मुझे पसंद है तो मैंने इस तरह से बनाए हैं। कर्सिव में स्मॉल लेटर्स बनाना देखिए। हर लेटर को हमें नीचे से ऊपर की साइड ले जाकर बनाना है। यही इनके बनाने की बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको हमेशा नहीं बताई जाती है। हर लेटर को नीचे से ऊपर की करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लेटर्स को जोड़कर वर्ड बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जब हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तब आप देखेंगे कि ये कितना यूज़फुल है। तो आप देखिए, हर लेटर को नीचे से ऊपर की साइड बनाना है, चाहे वो ओ हो या पी। उसको मिडिल लाइन से बनाना ही स्टार्ट करते हैं, फिर वो लेटर के अकॉर्डिंग ऊपर लाइन या फिर नीचे लाइन, कोई भी लाइन में जा सकते हैं। कुछ लेटर्स बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं कि उन्हें स्मॉल और कैपिटल दोनों में सेम बनाया जाता है, तो उस चीज़ का सलूशन भी मैं आपको इसके आगे बताने वाली हूँ। कंपेयर करेंगे हम कि किसे कैसे बनाते हैं। देखिए, हमें स्मॉल लेटर्स को थर्ड नंबर की लाइन से सेकंड नंबर की लाइन पे इस तरह से घुमाते हुए ऊपर की साइड ले जाना है। और आप इसे हर लेटर में कि हर लेटर में इसे ऐसे ही बनाया जाता है, तभी आपके लेटर जो हैं वो प्रॉपर बनेंगे। अब हम लेटर्स को जोड़कर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। हमने जो लेटर नीचे से ऊपर की साइड ले जाकर बनाना सीखा है, सेम वही टेक्निक यहाँ पर यूज़ हो रही है। और उसी टेक्निक को यूज़ करने से हमारी राइटिंग जो है वो परफेक्ट कर्सिव लगेगी। चलिए, अब हम अपना नाम लिखते हैं। मैं अपना नाम लिखने जा रही हूँ, आप अपने अपने नाम को लिखकर प्रैक्टिस करके देखिए। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से अपने नेम्स लिखे होंगे। अब से हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखिए, हमें वही टेक्निक यूज़ करनी है, हर एक लेटर को नीचे से बनाना है। मैं आपको दिखाने के लिए बहुत ही स्लो लिख रही हूँ, उठा रही हूँ, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें एक ही वर्ड को लिखते टाइम पेन को बिल्कुल भी पेज से ऊपर नहीं करना है, चाहे बीच में डॉट आए या फिर नहीं। हमें हमारा वर्ड कंप्लीट करने के बाद ही अपने पेन को पेज से अलग करना है। अब देखिए, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेटर्स, जैसे कि स्मॉल के को आर समझ लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये स्मॉल के आर की तरह ही बनता है, बट वो आर नहीं है। पी और एच सिमिलर दिखते हैं, बट एच जो है वो मिडिल लाइन तक होता है और पी नीचे वाली लाइन तक बनाया जाता है। कैपिटल एंड स्मॉल बोथ एस सिमिलर ही होते हैं, बट लाइंस का डिफरेंस है।
जेड दो तरह के होते हैं, कैपिटल में और एक स्मॉल, मैंने आपको लिख के बताया है। अब हम सेंटेंस लिखकर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है आपके वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस हो। तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से अपनी फिंगर का यूज़ करके वर्ड्स के बीच में इक्वल स्पेस बना रही हूँ। आई हैव रिटन शौर्य इज़ अ गुड बॉय। एंड आप देखिए मैं किस तरह से फिंगर का यूज़ करके प्रॉपर स्पेस दे रही हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बार बार फिंगर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और आप इस वीडियो में और क्या चाहते हैं आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं उसको डेफिनेटली आपको बता। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने सारे लेटर्स को कर्सिव में जॉइन करके लिखा है। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, बट अभी आप एक साथ नहीं लिख पाएंगे तो आप थोड़े थोड़े से लेटर्स लिखना स्टार्ट करिए। एंड लिखते समय आपको बिल्कुल भी पेन को नहीं उठाना है जब तक कि आपका पूरा लेटर, पूरा वर्ड कंप्लीट। ऑल द वेरी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, बार बार इस वीडियो को देखिए और जिस तरह से मैंने आपको बताया है वैसे ही लेटर्स बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस करिए। अगर आप ये टेक्निक फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हैंडराइटिंग इससे भी ब्यूटीफुल होने वाली है। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन मिल जाए। हैंडराइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, आप इसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।